नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों पति पत्नी पर गोली चलाने वाले दो नौजवानों को किया काबू। श्री महावीर जैन नवयुग संघ की ओर से चौथे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, धर्म मंत्री सहित सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में हुए नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत दिनों पति पत्नी पर गोली चलाने वाले दो नौजवानों को काबू किया। ये गोलियां रिश्तेदारी में जायदाद के झगड़े को लेकर चलाई गई थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि 9 जून को कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि पति पत्नी पर संधु डेयरी के नज़दीक दो नौजवानों द्वारा गोलियां चला दी गई हैं, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और दो आरोपियों राहुल कुमार और शंकर निवासी चैरट्टा को काबू किया, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का देसी कट्टा, 8 जिंदा रौंद, 1 खाली खोल और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में यह पता चला कि यह मामला आपसी जायदाद के झगड़े का है, जिस कारण आरोपी राहुल कुमार ने रंजिश के चलते अपने ताया के लड़के संदीप कुमार और उसकी पत्नी पर गोलियाँ चलाई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन का रिमांड हासिल किया है ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, साढ़े FIR नंबर 114 बटा जड़ी है 23-307-34 IPC पुलिस स्टेशन शाटे दे विच दर्ज हुई सी। मिति 6/9/23 नूं ये संदीप कुमार अपनी पत्नी जी किरण थापा सी जा बजनेर बाजार चो जा रहा है शाटे के पिछों, तो मगरों दो व्यक्तियों ने आके उन्होंने फायरिंग की सी, तो जिद करके वो जड़े इंजर्ड हो गए थे। जिस संबंध में 307 FIR दर्ज की गई सी। इसलिए संजीत जी क्योंकि डे नाइट के जोड़ा इंसीडेंट्स होया भरे बाजार शहर के करके काफ़ी यदि सनसनीखेज जोड़ा एक वारदात बन गई सी, जिन्हों की पुलिस के लिए ट्रेस करना बहुत जरूरी बन गया सी। जिस संजीत जी को देखद हो SHO शाटे की टीम ने जोड़े है काफ़ी मेहनत तो बाद जोड़े है दोषी जोड़ा है अपना राहुल तो शंकर जोड़ा दोनों गिरफ्तार कर लिया। दोनों शाटे के है और उन्होंने वरत्या गया जोड़ा है 315 बोर का एक जरा कट्टा देसी है देसी रिवॉल्वर और जोड़े गोलियां जड़िया है और बराबद की हैं। इन्हों पेश अदालत करके 4 दिन का रिमांड लै लिया गया है। बाकी इन्हों की पूछगिछ तो होर गलों का खुलासा होगा तो शेयर। श्री महावीर जैन नवयुग संघ की ओर से चौथा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मौके पर सांसद सुशील कुमार इंकु, दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों से मुलाकात कर खेल की शुरुआत करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैन समाज का खेलों को बढ़ावा देना सराहनीय कदम है, इससे युवा नशे व बुरे कामों से दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है, स्वस्थ शरीर एवं दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मौके पर पूनम जैन ने रिबन काटकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की, जबकि दीप प्रज्वलित मंजू जैन ने किया। विशेष तौर पर प्रिया जैन, धीरज जैन व नीरज जैन उपस्थित हुए। इस मौके पर सतीश कांता जैन, प्रदीप जैन, लक्षित जैन, विकास कुमार जैन, तरसेम लाल, गगन कुमार, संघ के प्रधान अमित जैन, जनरल सेक्रेटरी अवंत जैन, पुनीत जैन, रमन जैन, आदिश जैन, वरुण जैन, राजेश जैन, अशोक जैन, योगेश जैन, भरत जैन, राजीव जैन, लक्ष्मी जैन, विकास कुमार जैन, संजीव जैन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट।
शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर के पावन दरबार में जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने माथा टेककर जिले की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीत कमल सहित नतमस्तक होकर जिले के लोगों की पूरी विनम्रता व तनदेही से सेवा करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा कि समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव हर कीमत पर कायम रहेगा और हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि वे 2400 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे ताकि उनकी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जा सके। इससे पहले मंदिर पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल व उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीत कमल का देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विच ने स्वागत करते हुए श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से उन्हें जालंधर के डिप्टी कमिश्नर बनने पर बधाई दी और विशेष तौर पर सम्मानित किया। महासचिव राजेश विच ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल समाज के लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अमृतसर के भाजपा कार्यालय में पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंदर सिंह संधू ने अपनी टीम के पदाधिकारियों के साथ गुलदस्ता व दोशाला देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन में अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही है और बीते 9 वर्ष भारत के नव निर्माण तथा भारत के गरीब कल्याण के 9 वर्ष रहे हैं। भारत ने बीते 9 वर्षों में एक पार्टी के अपने परिवार, अपने विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में विश्व में भारत की पहचान स्थापित की है। इस दौरान देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा के अलावा खेती और किसानी तक का अभूतपूर्व विकास हुआ है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 16 मई 2014 को रिजल्ट आता है और एक स्थायी सरकार का गठन होता है। उससे पहले 30 सालों तक, 2014 से 30 सालों तक गठबंधन की सरकारें इस देश ने देखी। एक स्थायी सरकार का निर्णय देश की जनता ने किया इन 2014 और प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं 26 मई को 2014 में, लेकिन उससे पहले 23 मई को हमारे सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में वो प्रवेश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडी जब उनको नेता चुनते हैं तो शपथ ग्रहण से पहले उनका एक भाषण होता है जो बाद में बहुत चर्चा में रहता है, लेकिन उसका जो कोर सब्जेक्ट है 23 मई 2014, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, गरीबों को समर्पित होगी। द सेंट्रल पॉइंट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से अधिक योजनाओं को कंसेप्टलाइज किया, मतलब आइडिया दिया, बनाया, घोषणा की, इंप्लीमेंट की और धरातल पे उतारी। मैं सबका जिक्र यहां कर नहीं सकता क्योंकि टाइम की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन अगर उस सब में देखेंगे तो हर योजना का प्रधानमंत्री जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई। मानसा जिले की सुजान कौर ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर पंजाब भर में पहला स्थान हासिल किया है, जिसके चलते सुजान कौर ने अपने परिवार सहित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और वाहेगुरु जी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुजान कौर ने कहा कि वह भगवान का आभार व्यक्त करने यहाँ आई हैं कि उसने पंजाब भर में पहला स्थान हासिल किया है और आगे भी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वह कड़ी मेहनत करेगी।
वहीं उन्होंने कहा कि समाज को लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और परिवार को लड़कियों को आगे बढ़ने में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंची हैं और वाहेगुरु उनकी जिंदगी में खुशियाँ बनाए रखे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जी मैनू तो पहला तो वाहेगुरु का शुक्र आ, मेरे मालिक ने मौका दिता सानू, वाहेगुरु ने मेहर की साढ़े थे ते बाकी मेरे बच्चे वास्ते मैं बहुत खुश हाँ। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की आ, बाकी इन्हों के पापा ने भी नहीं कि इस तरह यह सोचा कि मेरे तीन बेटियां ने वधिया बच्चों शिक्षा दी है, वधिया पढ़ाया, तो मेरी बेटी ने साडा नाम रोशन किया। हर कोई सानू कोई नहीं जानता देखो, है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं माण महसूस हो रहा अपने बच्चे पर, बहुत ज़्यादा खुशी है मैनू। तो मैं तो कहनी हाँ भी हर घर के इस तरह के बच्चे पैदा हो। हाँ जी करते हैं जी, देखो जी मैं तो मेरे तो तीन बेटियां हो गई सी, आप कितने देखो चाह तिने बेटियां एको स्कूल जा रही, छोटा बेटा तो चारे भैन भरा वधिया स्कूल जा रहे हैं। तो मैं तो इस न्याय देना चाहनी हूँ भी बेटियां शराब ना समझो, है ना, तो बेटियां अच्छी परवरिश करो उन्होंने, तो बच्चों मौका दो बेटियां अगे बढ़न का। सब तो पहला तो मैं वाहेगुरु का शुक्र करती हाँ जिन्हें मैं ये कामयाबी बख्शी। मैं बहुत बहुत वाहेगुरु की मेहर साढ़े हमेशा बनी रहे, तो मैं बहुत खुशी हो रही है दरबार साहब आके मैं मत्था टेकन आई हाँ कि मेरी जिंदगी एवं खुशियां बनिया रहन, एवं मेरे वधिया मार्क्स आते रहन। प्लस टू तो बाद मेरे ख्याल से मैं ऑनर्स मेरी डिग्री करना चाहूँगी मैं, तो उस तो बाद सिविल सर्विसिज में आपकी जिन्नी भी सारी है सर्वेंट मैं देना चाहूँगी। सब तो पहला तो उन्होंने लोगों वास्ते बहुत गलत गल है जिहड़े धीआं नूं शराब समझते हैं, उन्होंने कुखां दे विच कतल करते हैं। मैं भी किसी की धीआं हाँ, असीं खुद तीन सिस्टर हाँ, मेरे पापा ने सानूं जॉब करके पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, तो मैं उन्होंने यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि धीआं नूं कुखां दे विच ना मारो, उन्होंने उडारी मारन का मौका दो। ऑटोमोबाइल जगत की जानी मानी और प्रतिष्ठित हुंदई कंपनी की जालंधर स्थित डीलरशिप कोसमो हुंदई में कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। ये मीट फादर डे को समर्पित थी। इस अवसर पर डीलरशिप के एमडी प्रवीण आहूजा की हिदायतों पर और डायरेक्टर पंकज आहूजा की देखरेख में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष तौर पर कंपनी के ग्राहकों को आमंत्रित किया गया। फादर डे के मद्देनजर डीलरशिप ने वरना डे सेलिब्रेट किया। इस समारोह में प्रबंधकों और स्टाफ ने ग्राहकों के साथ केक भी काटा। इस मौके पर नए अवतार में अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च की गई कंपनी की ऑल न्यू वरना गाड़ी के अलग अलग मॉडल्स को डिस्प्ले भी किया गया। इस दौरान पहुंचे ग्राहकों ने डीलरशिप स्टाफ से गाड़ियों की खूबियों के बारे में जानकारी हासिल की। समारोह को यादगार बनाने और इसमें शामिल हुए ग्राहकों के मनोरंजन के लिए अलग अलग गेम्स भी खिलाई गई और इन गेम्स के विजेता ग्राहकों को प्रबंधकों की ओर से आकर्षक उपहार भी भेंट किए गए। इस मौके पर सीईओ नरेंद्र कौशल, कस्टमर केयर मैनेजर प्रियंका पांडे के अलावा स्मूथ स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। ज़्यादा वर्ड्स नहीं मेरे पास, बट आई कैन ओनली से दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग टू बी द फादर एंड टू हैव किड्स हु आर इमोशनली कनेक्टेड विद अस, जो हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ है, वेदर वो फिजिकली हो या ना हो, बट देयर सपोर्ट इज़ विद अस ऑलवेज। तो मैं ही कहूँगा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड आई थैंक एवरी कस्टमर टुडे जिन्होंने आज टाइम निकाला है कॉस्मेटिक में आके और इस इवेंट को ट्राई किया है, एंजॉय करने का। तो रियली ग्रेटफुल टू यू आल्सो, रियली ग्रेटफुल टू प्रियंका एंड माय टीम आल्सो। एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन की एक विशेष बैठक एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर उन्होंने एसोसिएशन द्वारा पंजाब के अलग अलग जिलों में नियुक्तियां कर एसोसिएशन का विस्तार किया। इस अवसर पर डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि आए दिन पशुओं पर हो रहे अत्याचार की रोकथाम के लिए पंजाब के हर जिले में संस्था के सदस्य जोड़े जा रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, ताकि बेसहारा पशुओं को आ रही दिक्कतों का मौके पर ही हल किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दुमन देवगना जी, ते आज एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन दा ते डॉक्टर रोहन मेहरा दा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहवांगे कि उन्होंने सानू इस योग समझा कि माझा जोन का यूथ का प्रेजिडेंट लगाया, तो मैं उन्होंने आश्वासन देना
कि आप बिल्कुल तनदेही के नाल जानवरों की सेवा और मनुखता की सेवा लिए काम करते रहेंगे और एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसीएशन का नाम इसी तरह सेवा दे विच गूंजता रहेगा ते सेवा विच ही अपना योगदान देंदे रहेंगे। अमृतसर की रहने वाली प्रिया कोहलिका अपने पति के साथ पिछले 15 वर्षों से विवाद चल रहा है, जिस कारण वह किराए पर रह रही है और 14 वर्ष की बेटी का खुद पालन पोषण कर रही है और उसका ससुर उसके साथ जबरदस्ती रहने की जिद करता है पर वह उसका पालन पोषण नहीं कर सकती। प्रिया ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उसने कहा कि उसके पति को चाहिए कि वह अपने पिता की जिम्मेदारी उठाएं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दें। वे मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी मनिंदर सिंह ने कहा कि बुजुर्ग के पास अपना कोई मकान नहीं है और प्रिया कोहली अपनी बेटी के साथ खुद कमाने को मजबूर है और किराए के मकान में रहती है, जिसके चलते अगर प्रिया अपने ससुर को पास नहीं रखती तो वह कुछ नहीं कर सकती। तो वही बुजुर्ग विनोद कोहली ने कहा कि उन्हें पिछले 4 वर्षों से घर से बाहर निकाला हुआ है, उन्हें घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका सारा सामान घर के अंदर कमरे में बंद है, जिसकी चाबी उनके पास है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 4 वर्षों से पार्क में सौंक कर रात गुजार रहे हैं और गुरुद्वारा साहिब में लंगर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बहू उन्हें घर में रहने नहीं देती और उनका बेटा भी बहू के कहने पर चलता है, तो वे कहाँ जाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਹਰ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਹੀਓ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ SDM 2 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, SDM ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਲਾ ਲੂ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੱਖ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ, ਨੂੰਹ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਡੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣਾ ਨੌਂ ਸੁਰੇ ਦਾ ਹੈਗੀ ਝਗੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਹਲੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੋਹਲੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਠੰਡਾ ਕੱਪੜਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਭਾਂਡੇ, ਟੀਂਡੇ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਨੂੰਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 3-4 2019 ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਬਾਗ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਲਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਮਰਨ ਦਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਨੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਲੈਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਢੇਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਜੋਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। साईंदास स्कूल पटेल चौक जालंधर में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन प्रिंसिपल राकेश शर्मा, दास महेश, संजीव शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस योग शिविर का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात प्रिंसिपल राकेश शर्मा ने उपस्थित साधकों को योग करवाया और योग से बीमारियों को ठीक कैसे करना है का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। इस मौके पर गुरुबख्श मदान, सुधीर सक्सेना, अमरजीत सिंह बिट्टू, अजय मल्होत्रा, सतविंदर सिंह कुंदी सहित अन्य साधक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। पुराने घर रहते हर किसी की कोशिश होती है मेरी छत पर सारा मुहला दिसना चाहिए, शहर दिसना चाहिए, चाहे यूज से आता है कि नहीं आता है। एक अद्धा कमरा उपर पाई जाना, पाई जाना इतने होंगे सोशली वी आर नॉट दैट मच ग्रोन अप कि असं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख। 20% ईच हो गया फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना और हरीश खन्ना ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर यज्ञ ब्रह्म विद्वान सुरेश पराशर ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को सम्पन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य नरेश आर्य, हिमाचल वाले सहित सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, सुभाष आर्य, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रोमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर नन्ही सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मुख्य यजमान के रूप में हमारे खन्ना जी, सुरेंद्र खन्ना जी हमारे आर्य समाज के उपाध्यक्ष हैं। इस सारे समाज की शोभा है, परिवार है सारा, ये कभी इतनी उनकी इतनी अच्छी आस्था है यज्ञ के प्रति, घर पे भी यज्ञ करते हैं ऐसा यज्ञ परिवार, और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं। पिछले दिनों वार्षिक उत्सव था, तब उनके भाई उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से ना मुरादाबाद से किसी स्पेशल यहाँ पर पूरा एक सप्ताह रहे, और इन्होंने जो आज यज्ञ किया, अपना जन्म दिवस, अपनी धर्मपत्नी का जन्म, अपने पोते का जन्म दिवस, सुरेंद्र खन्ना जी, रेवा खन्ना और अनिश खन्ना जी, अनिश जी के माता पिता, उसकी बहन, उसकी दादी, छोटी दादी, सभी परिवार यहाँ पर आकर के बैठा है। देखिए आपने यज्ञ किया, तो यज्ञ के साथ आपने पंडित जी ने क्या बातें कही। प्रीत नगर सोडल रोड पर हारे का सहारा मंडल की ओर से बालाजी और खाटू श्याम जी की चौकी का भव्य आयोजन किया गया। बालाजी एवं श्री खाटू श्याम जी के पूजन के उपरांत शुरू हुए संकीर्तन में भजन गायक श्री केवल खन्ना एंड पार्टी द्वारा प्रभु महिमा का गुणगान किया गया और महिमा में सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए। वही कार्यक्रम के उपरांत लंगर और प्रसाद भी बांटा गया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के रूप में आम आदमी पार्टी के नॉर्थ हल्का के इंचार्ज दिनेश ढल भी मौजूद रहे। इस दौरान भव्य चौकी का आयोजन दीपक बजाज, उमेश मेहता एवं हनी चोपड़ा ने किया, तो वहीं मुकेश कुमार की ओर से भव्य दरबार लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। दुनिया में कोई ना हमारा।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों पति पत्नी पर गोली चलाने वाले दो नौजवानों को किया काबू। श्री महावीर जैन नवयुग संघ की ओर से चौथे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। जालंधर के नए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल, धर्म मंत्री सहित सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।